ऊपर से, ये देखिए मेरे हस्बैंड को लगता है कि आज भी मुझे बनाने नहीं देंगे। मैंने सोचा कि जिंदगी में पहली बार मैं बाटी चोखा बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि मेरे हस्बैंड ही बनाएंगे। आग भी वही जला रहे हैं और भौरी भी वही बनाएंगे लग रहा है। पता है मैंने इनको मना किया था, लेकिन इनको रहा नहीं गया, आ गए बनाने के लिए। पता है अभी रात के बज रहे हैं 8 और हम लोग आज शाम से ही सोचा था कि आज बनाएंगे बाटी चोखा ही। हाँ, खीर भी, बाटी चोखा को और साथ में हम खीर भी बना रहे हैं इस। वैसे तो हमारे यहाँ जो बाटी चोखा बनती है तो बहुत सारे लोग दाल पनीर की सब्जी, लेकिन आज मैं जो बनाने वाले हैं हम पूरा देसी होने वाला है, बाटी चोखा और खीर बस यही बनने वाला है। और एक बात बताऊँ राज की, मैं पहली बार बाटी चोखा बना, चोखा तो मैं बनाती हूँ हमेशा जब भी घर में बनती है, लेकिन वो जो बाटी हम यहाँ भौरी भी बोलते हैं वो मेरे हस्बैंड ही हमेशा बनाते हैं, लेकिन आज मैं पहली बार खुद से बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे लोग कि आप चूल्हे का कुछ दिखाइए। अबिंदास बोल करके हैं, उनकी आईडी है, वो हमेशा बोलती रहती हैं कि मैम आप बाटी चोखा बताइए, तो मैं बना रही थी। तो मैंने सोचा चलिए ये वीडियो तो आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी है, तो मैं एकदम आपको देसी अंदाज में सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो हम उसका जो सत्तू का मसाला होता है जो हम अंदर बाटी के अंदर भरते हैं, पहले मैं वहाँ से शुरू करूँगी। खीर भी बन रहा है और जो चोखा हम बोलते हैं आलू उबाल लेंगे और बैंगन टमाटर जो भी हम भूनेंगे वो हम आग पे। तो चलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है और खा के भी दिखाऊंगी कैसा बना है। और आप सब भी जुड़े रहिए, पूरी वीडियो देखिए और बताइएगा कि कैसा बनाया मैंने पहली बार। देखिए बन रही है हमारे यहाँ खीर, दूध गर्म हो गया है, चावल मिलाऊंगी और यहाँ पे मैंने यहाँ पे चावल मिला दिया है। थोड़ा टाइम लगेगा खीर बनने में, तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। बैगन भुजाता, टमाटर भुजाता, देखो गर्मी में आगी तपाता। कल लगा था तो पराठा बनाने की पड़ी, कल का रखा दी, दो चार दिन बाद बनना। देख लिया होगा तो हटा देगी पक्का, काट चका। मैंने यहाँ पे आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम ये भुना हुआ बैंगन और टमाटर मिला के इसको अच्छे से हम इसको आलू में मिक्स कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम मिलाएंगे इसमें प्याज, मेरी हरी मिर्च, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हम यहाँ तीखा थोड़ा सा कम खाते हैं। यहाँ पे लहसुन, आई मीन गार्लिक, हाँ गार्लिक, ये इंग्लिश भी पढ़ा रही है मेरी बेटी। यहाँ पे मैं नमक भी मिला
चल कर। यहाँ पे मैं सरसों का तेल, सरसों का तेल इस पूरा जो ये चोखा है ना उसकी जान होती है बाटी चोखा की। फिर हम मिलाएंगे इसमें धनिया पत्ता और ये हो गया हमारा चोखा तैयार। देखिए बाटी को पहले थोड़ा सा सेकेंगे और फिर हम आग से उतार के और फिर इसको हम दोबारा रखते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम बनती है। और फिर इसको हम आग में ढक देंगे। आग का मतलब, आग देख रहे हैं ये बहुत कम हो गई है, एकदम जलते हुए आग पे हम बाटी नहीं बनाते हैं, ऐसा आग जब हो जाता है तब बनाते हैं। फटने लगती तो ये फटने लगती है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये देखिए ये सारी मेरी सारी, ये देखिए बाटियाँ, ये सारा फटना शुरू हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ये कच्चा होने की तो संभावना ही नहीं है। अब हम इसको अंदर आग में ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। हमारी लगभग हो चुकी हैं।